सात साल पहले अखिलेश यादव ने जो सपना देखा था अब सच होने जा रहा है। कन्नौज में अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को सीएम योगी ने दे दी है हरी झंडी। लोग पूछ रहे क्या अखिलेश यादव के कहने पर ही सरकार ने आगे बढ़ाया कदम। देखिए किस प्रोजेक्ट के लिए हो रही पूरी कवायद और क्या होगा फायदा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो सपना देखा था वह अब पूरा होने जा रहा है। पिछले 6 साल से जो परफ्यूम पार्क अधूरा पड़ा था उसके पूरा होने का रास्ता साफ हो चुका है। वजह साफ है कि यूपी सरकार के एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल खुद यहां आकर परफ्यूम पार्क का मुआयना कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब तक इसके निर्माण में जो रुकावटें थीं वो अब दूर हो जाएंगी। दरअसल कन्नौज के इत्र कारोबार को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए 6 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था। इत्र पार्क उसके बाद पूरा नहीं हो सका क्योंकि सरकार बदल गई थी। इसे 2 साल में बनकर तैयार होना था लेकिन 6 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। अखिलेश यादव इसके बहाने लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। अफसरों की हिला हवाली और दिलचस्पी न लेने से काफी समय गुजर चुका है। कई बार सरकार के नुमाइंदे के तौर पर तमाम मंत्री और अफसर यहाँ आए लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब खुद अपर मुख्य सचिव इसके मुआयने के लिए आए हैं तो ठप पड़े इस प्रोजेक्ट के दिन बहुरने वाले हैं। सपा की सरकार के दौरान कन्नौज में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उनमें सबसे बड़ा नाम परफ्यूम पार्क का था। सरकार ने इसे बाकायदा ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। तब की सरकार ने इसको लेकर काफी तेजी भी दिखाई थी। अखिलेश यादव खुद पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे थे लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और काम का तरीका भी बदल गया। पूरे 5 साल में जमीन से ज्यादा कागज पर ही काम हुआ। इस दौरान कई बार जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। आपको बता दें कि इत्र पार्क की आधारशिला 12 अप्रैल 2016 को रखी गई थी। इसे 2 साल में पूरा करके मार्च 2018 तक तैयार करने का लक्ष्य अखिलेश यादव ने रखा था लेकिन 6 साल का समय गुजर चुका है। अफसरों का कहना है कि अब शुरुआती काम को पूरा किया जा रहा है और जैसे जैसे बजट मिलता रहेगा वैसे वैसे ही काम आगे बढ़ता रहेगा। कन्नौज में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने फिर से खुद प्रयास करके सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है जिसके बाद अफसरों को निर्देशित किया गया है और अब काम में तेजी आने वाली है। कन्नौज में इत्र बनाने का काम पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से फूलों से इत्र तैयार किया जाता है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब खुद यहाँ के तत्कालीन डीएम और इत्र कारोबारी उनसे मिलने गए थे जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कन्नौज दुनिया भर में और भी अपनी प्रसिद्धि बढ़ा सकेगा। अब योगी आदित्यनाथ सरकार के जागने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 सालों में इस इत्र पार्क का काम पूरा हो जाएगा और कन्नौज फिर से नई बुलंदियों पर पहुंच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।